हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप अपने अपने मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, अपने एग्ज़ाम की एक रूटीन बना लिए होंगे और आपको पता है कि आपको किस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, किन सब्जेक्ट पे काम करना है और किन टॉपिक्स पे काम करना है। तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम रीजनिंग के जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम एफकेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। हम पर्टिकुलरली एफकेट एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। एफकेट एग्ज़ाम के हम लोगों ने और भी बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में आपके आपको अवेलेबल मिल जाएगा टॉपिक वाइज वीडियो। आज इस सेशन में हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, एफकेट एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो हम जिस सेशन में जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। और कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही में जो हम अगेन मैं हर सेशन में स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी के सेशन में आपको बार बार बोली हूँ कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन तीनों ही टॉपिक्स में, जो चीज़ कॉमन हो जाती है वो चीज़ होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके प्लेस वैल्यू और जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके ऑपोजिट लेटर, ये आपको एकदम मेमोराइज होनी चाहिए, एकदम आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप लिखोगे फिर उसको देखोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। सो आपको ये सारी चीज़ें एकदम, इसके ट्रिक्स होते हैं, आप ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। ट्रिक्स ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है, तो आप आज ही इसको लर्न करो तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। हमारा एग्ज़ाम में एम क्या होता है, जल्दी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, उसके ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ग्राइंड इज रिटन एज JUFQG, हाउ विल लेमन रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, ग्राइंड क्या लिखा हुआ है, ग्राइंड इज रिटन एज JUFQG, JUFQG। तो हमको निकालना किसका, हमको निकालना है लेमन का। ठीक है, तो ग्राइंड में क्या है, जी अगर हम देखें तो क्या हो रहा, जी के बाद क्या हो रहा, जी ई एफ, जी के बाद क्या हो रहा है, जी एच आई जे, प्लस 3 हो रहा है आर आर एस टी यू, प्लस 3 हो रहा है आई, ये तो माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या माइनस हुआ, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और एफ की क्या होती है, 6 हो रही है, तो यहाँ पर माइनस 3 हो रहा है। ठीक है, देन क्या हो रहा, एन ओ पी क्यू, प्लस 3 हो रहा डी एफ जी एच, डी ई एफ जी, जी हो रहा डी ई एफ जी। ठीक है, तो हमको पता चल गया वावल में क्या हो रहा, माइनस 3 हो रहा, और कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, इस केस में कॉन्सोनेंट में यहाँ पर क्या हो रहा, प्लस 3 हो रहा। ठीक है, तो वावल यहाँ पहले वावल कर देते हैं, ई क्या है 5, ओ क्या है हमारा, ओ की ओ भी वावल है, लेमन की निकाल दिया हमें, ई 5 हो गया, ओ क्या हो गया, 15 हो गया प्लीज वाली। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस 3 होगा, वावल में क्या हो रहा है, माइनस 3 हो रहा, ई के जगह पर माइनस 3 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 किसकी कोड है, बी की है, और 15 माइनस 3 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 किसकी होती है, एल की होती है। ठीक है, फिर क्या हो रहा, इधर प्लस 3 हो रहा, प्लस 3 हो रहा और प्लस 3 होगा। ठीक है, एल एम एन ओ, ठीक है एम एन ओ पी, ठीक है एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो ओ बी पी एल क्यू हमारा हो जाएगा, ओ बी पी एल क्यू हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ना सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेजर इज कोडेड एज, जो कोड दिया हुआ है ट्रेजर का कोड दिया हुआ है, तो हमें लिख लेना है इसको, ट्रेजर को किस तरह से कोड किया गया है, जी क्यू वी जेड एच पी आई
डी, ठीक है। तो हमको अगर हम ध्यान से देखते तो हमें क्या है, जी का ऑपोजिट क्या होता है, टी होता है, ई का क्या होता है, वी होता है, एस का क्या होता है, एच होता है, आर का क्या होता है, आई होता है। सो हमको ऑपोजिट लेटर, ऑल्टरनेट लेटर्स को ऑपोजिट हो रहा है ये हमको दिख रहा है। आर का क्या होता है, आर का में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ठीक है, आर की प्लेस वैल्यू मेरे को पता है 18 होती है और क्यू की क्या होता है 17 होती है। तो इधर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। ए ए के प्रीवियस लेटर तो ऑब्वियसली ए, और ये 26 है तो ए, इधर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इधर अगर हम ध्यान देखें तो इधर भी क्या -1 हो रहा है। यू है, यू की प्लेस वैल्यू हमको क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, टी की क्या होती है 20 होती है, तो -1 हो रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट लेटर्स का -1 होता है। ई क्या, ई से अगर -1 करेंगे, ये अगर 5 होता है तो डी क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ऑल्टरनेट लेटर्स को, ऑल्टरनेट लेटर्स जो था फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ लेटर है, इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, अपोजिट लेटर्स हो रहे हैं और बाकी सारे लेटर्स से -1 हो रहे हैं। तो हमारे पास फेलियर को निकालना, में फेलियर का क्या कोड होगा वो निकालना है, ठीक है। तो एफ क्या हो रहा है, एफ के अपोजिट लेटर हो जाएंगे, एफ का क्या होता है, यू होता है, आई का क्या होता है, आर, यू का क्या होता है, एफ होता है, और ई का क्या होता है, ई का क्या होता है, वी होता है, ठीक है। बाकी ए का -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, एल एल 12 होता है, 12 11 करेंगे तो के हो जाएगा, आर क्या होता है, 18 18 -1 17 क्यू हो जाएगा यहाँ, और एस का, एस क्या होता है, एस क्या होता है हमारा, एस हो गया, एस के पहले, एस अगर 19 होता है, 19 के पहले 18 होता है, आर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू जेड आर की एफ क्यू वी आर, ठीक है। तो हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यू जेड आर के, यू जेड आर के, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यू जेड आर के एफ क्यू वी आर, एफ क्यू वी आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से दिया हुआ है जैसे प्रीवियस वाला किया है। मॉन्स्टर को किस तरह से कोड किया गया है, पी क्यू ओ एच पी सी आर, मॉन्स्टर को ऐसे कोड किया गया है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, एम का क्या होता है 13, ओ का 15 होता है, एन का क्या हो जाएगा 14, एस का क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा 19, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। पी का कर लेते हैं 16 7 15 8 पी 16 सी 3 और आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले तुमको दिख रहा है एच का ऑपोजिट जो मिडिल लेटर है उसका ऑपोजिट एस हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इधर क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है, ठीक है, प्लस टू हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है, इन दोनों को भी देखें तो प्लस टू हो रहा है, ठीक है। चलिए 17 है, क्यू का 17 है, ठीक है। इस इन दोनों को भी देखें तो प्लस टू हो रहा है, तो यहाँ पर सारे में क्या हो रहा है, प्लस टू हो रहा है, इस पैटर्न में हो रहा है। देन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इन दोनों को माइनस टू हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है माइनस टू हो रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस टू हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, लैटरल, लैटरल का भी कोड दिया हुआ है, लैटरल भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पैटर्न में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लैटरल अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो एल का क्या हो जाएगा 12, ए का 1 हो जाएगा, टी का क्या होता है 20, ई का क्या होता है 5, आर का क्या होता है 18, ए का क्या हो जाएगा 1, एल का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ई का सबसे पहले तो ई का ऑपोजिट लेटर हो जाएगा वी, तो हमारा जो मिडिल वाला लेटर हो जाएगा, ई का मिडिल वाला लेटर है, ई का वी है, तो यहाँ पर हमको वी मिल गया, ठीक है। अब इसको इस ऑर्डर में कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा था, प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी हो जाएगा 22 22, किसके कोड होते हैं, वी के कोड होते हैं, और 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 14, किसके होते हैं, एन की हो जाती है, ठीक है। इन इन तीनों में क्या हो रहा है, माइनस टू हो जाएगा, तो भी माइनस टू हो जाएगा, तो इधर 16 माइनस टू करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 25, और इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 किसकी कोड है, 25 किसकी कोड है, 25 हो गया वी की, 25 हो गया वाई का, और 16 16 किसकी कोड है, 16 हो गए आपकी पी की कोड होगी, और 10 की कोड होगी क्या होगी जे। तो हमारा क्या हो रहा है, वी सी एन वी जे वाई पी। तो इस
तरह से होगा, हमको मेनली किसका निकालना था, हमको डिस्ट्रॉय का निकालना था। तो डिस्ट्रॉय का देख लेते हैं, तो जब भी डिस्ट्रॉय देखेंगे तो मिडिल वाला लेटर क्या हो जाएगा, मिडिल वाले लेटर के ऑपोजिट हो जाएगा जी। ठीक है, मिडिल वाले लेटर, इसमें भी ऑपोजिट जी नहीं है, इसमें भी ऑपोजिट जी नहीं है। अगर हम इन दोनों को कॉमन देखें तो ये तीनों कॉमन है। ठीक है, हमको ये वाला टर्म निकालना है, तो हमको ये वाला टर्म निकालने के लिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस टू हो रहा है, माइनस टू होगा तो वाई का की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25, 25 माइनस टू होगा 23, 23 किसके पहले प्लेस वैल्यू होता है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर देंगे। तो क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जब भी आता है। तो अब देखिए, पहले जो ईजी वाला है, अब जी टी निकालनी है, तो जी वाला आंसर उनको पता चल गया, मिडिल वाला डिजिट, मिडिल वाला लेटर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो यूजीएफ यूजीएफ दोनों में ही कॉमन है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको सॉल्व करने का। हमें ये वाले टर्म को देखना है, इसमें क्या डिफरेंट है, डब्ल्यू और टी डिफरेंट था। तो या अगर हम ये वाला टर्म निकाल देते हैं तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। तो हमें वो मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्राउड, क्राउड यहाँ पर क्या बोला गया है, क्राउड। ठीक है, इसकी कोड क्या दी हुई है, 14 दी हुई है। क्राउड की कोड क्या दी हुई है, 14 दी हुई है। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं, क्राउड को। तो हमें क्या देखना, और क्या है, इनर्ट, इनर्ट की कोड क्या दी हुई है हमें, 58 दी हुई है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, 4, सी हमें पता है 7, और सी का क्या हो जाएगा, 3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाता है, 14 हो जाता। वैसे आई की क्या कोड है, 9, 9, और टी की क्या हो रहा है, 20, 29 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 58 हो जाएगा। 58 क्या है, इधर भी कोड सही है, 14 भी। ठीक है, मैं मिल गया। तो हमको क्या है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, और एन की क्या होती है, 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70। तो मुझे आंसर मिल जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकस। फोकस अगेन उस टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फोकस को अगर ध्यान से देखते तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, ओ और यू को अगर ध्यान से देखें तो क्या, ओ की पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, फोकस, फोकस और ड्रीम का दिया हुआ है 22, फोकस को क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो अगर हम लिखते हैं 15, 3, यू 21, एस क्या हो जाता है, 19। ठीक है, फोकस को अगर हम देखते हैं, ये दोनों को ऐड करने से क्या 28 आ रहा, नहीं आ रहा। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो क्या हो रहा, 9, 19 + 9 = 28 आ रहा। ठीक है, ड्रीम को देख लेते हैं। यहाँ दो चीज़, इनके इस केस में दो चीज़ हो सकता है, या तो ये कॉन्सोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, या फिर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर ऐड हो रहे हैं। तो एक बार ड्रीम से हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हो रहा, ड्रीम में 4 है आर का। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट को अगर देखें, आर क्या हो जाता है, आर आपका 18 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सोनेंट को ऐड करते हैं तो क्या 22 आ रहा है, डी और आर को ऐड करने से 22 हो जा रहा है। तो इस लॉजिक से तो नहीं हो रहा, हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर को ऐड करते हैं, 4, 5 और क्या 13 ऐड करते हैं। ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा, 5 + 4 = 9, और 9 + 13 = 22। तुमको पता चल गया, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर को ऐड करना है, रिस्की, रिस्की का निकालना है। तो हमें आर की प्ले, आर, एस और वाई की प्लेस वैल्यू को ऐड करनी है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एस की क्या होती है, 19 होती है, और वाई की क्या होती है, 25 होती है। तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो रहा, 17, 22, 62 हो रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 62 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ है, जी का 14 दिया हुआ है। तो हमको पता है जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 7, 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 14 आ गया। तो पेन का निकाल लेते हैं, पेन का हमको पता है, अगेन देखिए इन सारी ही क्वेश्चन में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, प्लेस वैल्यू। पी की क्या होती है, ई की क्या होते हैं, 5 होते हैं, एन का क्या होता है, 14 होता है, और पी की क्या होती है, 16 होती है। तीनों का ऐड कर लेते हैं, तीनों का ऐड कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, 30, 35 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70।
हमारा 70 कोड है, तो उनको पता चल गया बोर्ड का अगर हमको कोड निकालना है तो उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी 2 15, एल का 12 होता है, बी डी का क्या होता है 4 होता है, इन तीनों को इन सबको ऐड कर लेते हैं 4 5 6 7 8 13 वन कैरी 3 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 है, हमारा जो कोड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर नया टाइप का कोडिंग देखो, कोडिंग हमको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, लेटर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है और इसके कोड जो है वो सिंबल में दिए हुए हैं। तो हम अगर दोनों लेटर को कंपेयर करें तो इसमें क्या क्या कॉमन है, ओ एस और पी, ओ एस और पी कॉमन है। ठीक है, हमको कोड किसका निकालना है, हमको टी का कोड निकालना है, पूछा क्या है, देन व्हाट इज द कोड फॉर टी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, हमें टी का कोड निकालना है। ठीक है, ओ एस और पी कॉमन है, ओ एस और पी कॉमन है, तो अगर हम सिंबल्स को कंपेयर करते हैं, अगर सिंबल्स को कंपेयर करते हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, परसेंटेज कॉमन दिख रहा है, एट द रेट कॉमन दिख रहा है और हैश कॉमन दिख रहा है। तो जो अनकॉमन है वो डॉलर है और यहाँ पर जो अनकॉमन वर्ड है वो टी है और ई है। ठीक है, तो हमको पता चल गया एस ओ पी का कोड इन तीनों में से कोई एक होगा, जो अनकॉमन है वो टी, टी का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं, इंस्पिरेशन इज रिटन एज, इंस्पिरेशन को इतना लंबा कोड में दिया हुआ है, देन हाउ इज पियानिस्ट रिटन एज, अगर हम ध्यान से देखें तो पियानिस्ट सारे ही इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में पी है, आई है, ए भी आ रहा है, देन एन भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, एस टी भी आ रहा है, टी भी और एस भी है। ठीक है, तो हमें बस कोड निकालना है, ये एक एक लेटर, एक एक वर्ड, एक एक लेटर का कोड दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, हमको बस पियानिस्ट का निकालना है। तो जो फोर्थ लेटर है पियानिस्ट, पी, पी की क्या कोड हो जाएगी, तो यहाँ पर फोर्थ, फोर्थ क्या है 7, तो 7 हो जाएगी, तो स्टार्ट तो 7 से हो रहा है, देन आई, आई की क्या कोड हो जाएगी, आई 4 हो जाएगी, ए की क्या कोड है, ए अगर यहाँ से देखें तो 5th वाला है, तो 5th वाला 1 हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है, एन, एन की क्या कोड हो जाएगी, एन लास्ट वाला लेटर है 2 हो जाएगा, आई का हमको पता चल गया 4 हो जाएगा, एस का क्या है कोड, एस यहाँ से 3rd लेटर है 9 हो जाएगा, और टी क्या है, टी यहाँ से 4th है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 4 1 2 4 9 8 आ रहा है, 7 4 1 2 4 9 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, इन अ सर्टन कोडिंग सिस्टम हाइक सिस्टम टेरर इज कोडेड एज, ये देखिए आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर हमको कॉमन वर्ड को कंपेयर करना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कॉमन जो वर्ड्स है उसको कंपेयर करना है और जो जो हमें निकालना है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इन अ सर्टन कोडिंग सिस्टम हाइक सिस्टम टेरर इज कोडेड एज 362। ठीक है, टेरर एट फॉरेस्ट इज कोडेड एज 546 एंड फॉरेस्ट फायर हाइक इज कोडेड एज एज 725। हाउ इज सिस्टम फायर टेरर इज कोडेड इन दिस कोडिंग सिस्टम, तुमको सिस्टम निकालना है, सिस्टम निकालना है जो फर्स्ट में था, फायर निकालना है, फायर थर्ड में था और टेरर निकालना है, टेरर। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ये और ये सेंटेंस को कंपेयर करें तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, हमको कॉमन इन दोनों में दिख रहा है टेरर। ठीक है, तो टेरर दोनों में कॉमन दिख रहा, तो दोनों में ऐसा कोई नंबर होगा जो कॉमन होगा, इसका कोड और इसका कोड को कंपेयर कर लेते हैं, तो टेरर क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास 546, तो हमारे पास जो कॉमन लेटर आ गया वो कॉमन वर्ड आ गया 6 आ गया, तो 6 किसकी कोड हो गई, टेरर की कोड हो गई क्या 6। ठीक है, अगर हम ये वाले सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, जो कॉमन क्या हो रहा इसमें फॉरेस्ट, ठीक है फॉरेस्ट कॉमन है, तो इन दोनों में फॉरेस्ट अगर कॉमन है तो फॉरेस्ट की क्या कोड हो गई, अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो 5 किसकी कोड हो गई, फॉरेस्ट की कोड हो गई 5, और हमको निकालना था किसका, फॉरेस्ट की कोड हो गई 5, तो फॉरेस्ट की कोड हो गई 5, फायर हमको निकालना है फायर का। ठीक है, फायर का निकालना है, अगर हाई, अगर फर्स्ट वाला और इसको कंपेयर करते हैं तो हाइक और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हाइक की कोड हो गई क्या हो गई
टू हो गई, तो जो बचा हुआ है वो फायर, फायर फायर की कोड क्या हो जाएगी, जो बचा हुआ है वो सेवन हो जाएगी, फायर की कोड क्या हो जाएगी यहाँ पर सेवन, और यहाँ पर जो बचा हुआ है यहाँ हाइक हो गया, हम यहाँ पर जो टेरर बचा हुआ है टेरर की क्या हो जाएगी, और नहीं सॉरी यहाँ पर क्या बचा हुआ है, वहाँ पर बचा हुआ है सिस्टम, टेरर हो गया था, टेरर हमें मिल गया था, सिस्टम सिस्टम की कोड क्या हो जाएगी, जो बचा हुआ है वो थ्री हो जाएगी, तो 763 हमारा, 763 736 हमारा ऑप्शन नंबर ए में, 637 तो ये हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन से ही देख के सॉल्व कर सकते हो, उसको पेन और पेपर यूज़ करके निकाल भी सकते हो अगर चाहो तो, बट अगर आप कंपेयर कर सकते हो आपको जो कोड निकालना है उस पर फोकस करना है और फिर डायरेक्टली आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे हमारे अगर साइट से भी प्रैक्टिस करना चाहो तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप सॉल्व कर सकते हो, फ्री की होती है वो, तो आप जितने भी फ्री के कंटेंट आपको मिल रहे हैं आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यहाँ पर क्या हुआ है, सिचुएशंस इज कोडेड एज, क्या दिया हुआ है, सिचुएशंस को कैसे कोड किया गया है, ऐसे कोड किया गया है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हुए ना, ये सारे ही लेटर्स इसमें भी प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हुआ, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो अगर सारे ही लेटर्स प्रेजेंट रहते हैं मतलब जो पोजिशन है बस वही चेंज हुए होते हैं, तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो एन एस है, एन एस क्या है, लास्ट टू लेटर्स है, इसको लिख लिया गया है, देन क्या है, आई ओ है, आई ओ ऐसे लिख लिया गया है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, ए टी हो रहा है, ए टी लिख लिया गया है, फिर क्या हो रहा है, टी यू हो रहा है, टी यू लिख लिया गया है, फिर क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि इस ऑर्डर में हो रहा है, इनको ब्रेक करके इस ऑर्डर में क्या गया, तो वैसे ही फॉर्चुनर को भी ब्रेक करके उसी ऑर्डर में लिखा होगा, तो पहले क्या आएगा, ई आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, यू एन आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा, देन क्या होगा, एफ हो जाएगा, ठीक है, तो ई आर यू एन आर टी एफ हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से ध्यान रखना है, और जहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑपोजिट लेटर यूज हो रही है उसको उस तरह से करना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो डायरेक्टली पूछे तो आपको इस तरह से इस अप्रोच से करना है। तो आई होप ये सारे सेशन आपके लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे, आज का सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से किस अप्रोच के साथ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।